वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। पिता पुत्र की घातक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सूरत के एक क्रेन चालक ने पिता पुत्र को बाइक सड़क के किनारे 20 फीट तक टक्कर मार दी। टायर उनके पैरों के नीचे उतर गया और खून का ढेर लग गया। सूरत के चौक बाजार में एक गंभीर हादसा हुआ जब पानी ओवरफ्लो होने का क्रेन चालक ने सड़क किनारे बाइक लेकर खड़े पिता पुत्र को टक्कर मार दी, करीब 20 फीट नीचे आ गई, जिसमें दोबारा टायर लुढ़कने से दोनों पैरों के दोनों पैर बाहर आ गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों में भीड़ जमा हो गई और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। दोनों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौक बाजार इलाज के में रहने वाले 34 वर्षीय कादर रफीक रहमत वाला और 68 वर्षीय उनके पिता रफीक रहमत वाला किसी काम के सिलसिले में बाइक से घर से निकले, तभी पूरी रफ्तार से आ रहे ट्रेन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। जब से बाइक से टक्कर लगी तो चौक बाजार गांधी बाग के पास पहुंचे तो अचानक उनके पास एक कॉल आई। दोनों पिता पुत्र सड़क के किनारे खड़े होकर के कॉल में बात कर रहे थे, इसी दौरान यह घटना घट गई। क्रेन चालक की इतनी तेज गति थी कि पिता और पुत्र समेत करीब 20 फीट नीचे जा गिरे, जिसमें बाइक क्रेन के नीचे फंस गई। जब क्रेन के विशालकाय टायर पिता पुत्र के पैरों पर चढ़े तो उनके मांस तक बाहर आ गए। क्रेन चालक के टक्कर के बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, लोगों ने क्रेन चालक को पकड़ लिया। इसके बाद पिता पुत्र को क्रेन के नीचे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर क्रेन ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर लिया और फिलहाल पुलिस ने आगे की जांच जारी रखी है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे, देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।